नमस्कार, स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। स्वामी न्यूज की हर खबर देखने के लिए स्वामी न्यूज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज स्वामी न्यूज अजमेर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें और हर नई खबर को लिए बेल आइकन को क्लिक करें। मैं हूं नितेश कुमार भड़ाना। अब समाचार विस्तार से। नगर निगम की पहली साधारण सभा का आयोजन कोरोना गाइडलाइन के तहत जवाहर रंगमंच में किया गया। सभा में कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। आइए आपको भी दिखाते हैं नगर निगम की पहली साधारण सभा की कुछ झलकियां। नगर निगम अजमेर की पहली साधारण सभा जवाहर रंगमंच पर आयोजित की गई। सभा में कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को आड़े हाथ लेते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। सभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 6 प्रस्ताव रखे गए, जिनको सर्वसम्मति से पारित करने की बात सदन में रखी गई। सदन में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बजट में कटौती होने पर भी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और बजट कम करने पर किस प्रकार विकास होगा इस बात को लेकर अपने स्वर तेज किए। अधिकारियों को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बजट बनाया, 4-5 मीटिंग बजट से पहले हो चुकी है नगर निगम में, लेकिन फिर भी अभी आपने देखा खुद बजट में इतनी लापरवाही है, इतनी मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया। पिछला जो बजट था उसको कोई माइनस पॉइंट में बढ़ा दिया, किसी को माइनस एक बढ़ा दिया, दो बढ़ा दिया, इस तरह से कॉपी पेस्ट किया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं है और ना ही कोई गहन अध्ययन किया गया इस बजट पर, तभी तो आज अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहा है। कोई किसी के पर कह रहा है, कोई किसी के पर कह रहा है, तो घोर लापरवाही है अपराधियों की, इनकी अधिकारियों की, जो इस तरह से बजट बना। क्या आपको लगता है कि नगर निगम के जो अधिकारी है उनको कि अगर वो जिम्मेदारी से काम नहीं कर पा रहे तो उनको हटाया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो लापरवाह है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आज नगर निगम की बजट की साधारण सभा और अन्य प्रस्ताव इसमें लगे हैं। निगम के जो पार्षद हैं उनके द्वारा विस्तृत चर्चा बजट पर की गई। जो अन्य प्रस्ताव है सफाई को लेकर के, सफाई व्यवस्था को लेकर के, जो हमारे ट्रिपर चलते हैं, जो कचरा संग्रहण है, इनको लेकर के जो चर्चा हुई है, और इसके अतिरिक्त अन्य प्रस्ताव भी है हमारे रेवेन्यू अर्निंग को लेकर के, उन प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इन प्रस्तावों को पारित किया। जो किराया वसूली निगम की संपत्तियों की वो नहीं हो पा रही है, अतिक्रमण का मैटर है जो उठाया गया? नहीं, बिल्कुल, पार्षदों ने बिल्कुल उचित मुद्दे जो हैं वो उठाए हैं और उनके द्वारा इन मुद्दों पर विशेष चर्चा करके सवाल जो उठाए गए उनका जवाब निगम के अधिकारियों से दिलवाया गया और कुछ सवाल जिनके जवाब आने हैं वो लिखित में इनका जवाब तुरंत ही उनके पास पहुँच जाएगा। जो पार्षदों ने जो आरोप लगाए हैं कि सीईओ साहब जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप लोग काफ़ी जो रियलिस्टिक बजट नहीं है उसके बारे में रियलिस्टिक बजट नहीं है, ये देखिए इस पे बजट के जो आंकड़े हैं वो नीचे से जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे लिए जाते हैं, उसके आधार पर ही बजट बना है और बजट को हम हमेशा चर्चा करके पारित करते हैं। इसमें रियलिस्टिक जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं विकास की अवधारणा को देखते हुए हमारा बजट बढ़कर बनना चाहिए था, लेकिन वो कम हुआ है, इसको लेकर चिंता जाहिर की। जो नोटिस देने की बात की गई सीईओ साहब को? नहीं, सीईओ साहब को कोई नोटिस देने की बात नहीं की, लेकिन जिनके द्वारा डिपार्टमेंट्स द्वारा बजट में मदद नहीं की गई है, बजट बनाने में जो उनकी प्रस्ताव आने तो नहीं आए, उनके बारे में स्पष्टीकरण मांगे। एक पूरा सेट चुनाव अध्यक्ष का ड्राइंग और निगम का पता ही नहीं। देखिए इस शहर में अलग अलग एजेंसी काम करती है, पीडब्ल्यूडी, एडीए, निगम। पीडब्ल्यूडी और एडीए की जो सड़क है वो उन्होंने परमिशन दी, हमने भी निगम ने भी डिमांड नोट जारी किया है। निगम क्षेत्र में जगह जगह गैस पाइपलाइन बिछनी है, क्या डिमांड नोट जारी हुआ, अभी वहाँ काम शुरू हुआ। नगर निगम की साधारण सभा थी और मुख्य रूप से आज इस वर्ष का जो वित्तीय बजट है उसको पारित करने के साथ साथ 5 प्रस्ताव और साधारण सभा के एजेंडे में रखे गए थे। चूँकि बजट जिस प्रकार का प्रस्तुत किया गया, उस बजट के अवलोकन करने पर ध्यान में आया कि बजट में काफ़ी सारी गुंजाइश थी। रेवेन्यू इनकम नगर निगम की बढ़े उसके लिए कई ऐसी मदद थी जिसके अंदर प्रयास किए जाएँ तो निगम अच्छा अर्निंग कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की शिथिलता के कारण उन मदों को जितना होना चाहिए उतना नहीं रखा गया। उनको उस विषय को ध्यान में लाते हुए उन मदों को बढ़ाने का सुझाव उनको दिया गया। साथ ही
जिस प्रकार से चर्चा के दौरान ध्यान में आया कि नगर निगम के द्वारा जिस प्रकार से पूरे शहर भर में गैस पाइपलाइन डाली जा रही है या रिलायंस जियो द्वारा जिस प्रकार की फाइबर केबल डाली जा रही है और जिस प्रकार का हमारा धारा उपनियम 184 कहता है कि विदाउट नगर निगम के परमिशन के किसी भी योजना क्षेत्र वाले क्षेत्र में वो संस्थाएं खुदाई की परमिशन नहीं दे सकती, उसके बावजूद पूरे शहर में डला, एक चिंता का विषय है, इस विषय को भी ध्यान में लाया गया है। तो इस प्रकार से जनहित से जो जुड़े हुए मुद्दे थे उन पर सभी पार्षदों ने अपनी बात रखी है और उसके पीछे सभी पार्षदों का मकसद एक ही है कि किसी भी प्रकार से नगर निगम की रेवेन्यू बढ़े और रेवेन्यू बढ़े तो नगर निगम अजमेर के द्वारा शहर का विकास हो, ये सभी पार्षदों की सोच रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर के सरकारी बैंक 2 दिन की हड़ताल पर हैं। मंगलवार को बैंक कर्मचारियों ने अजमेर में हड़ताल के दूसरे दिन बजरंगगढ़ स्थित विजय स्मारक से वाहन रैली निकालकर बैंकों के निजीकरण को लेकर रोष प्रकट किया। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2021-2022 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव की बजट से देश के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इसके बारे में जानकारी देते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस अजमेर इकाई के सहसंयोजक अरविंद मिश्रा ने बताया कि प्रदर्शन के पहले दिन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन सौंपा गया था। अजमेर की करीब 250 बैंक शाखाओं के करीब 3000 कर्मचारी शामिल हुए और आज दूसरे दिन बजरंगगढ़ स्थित विजय स्मारक से वाहन रैली निकालकर सरकार को चेतावनी दी गई है कि बैंक में जमा जनता का पैसा किसी भी सरकार की निजी संपत्ति नहीं हो सकता है। बैंक कर्मचारियों की वाहन रैली और प्रदर्शन में आम जनता का भी भरपूर सहयोग एवं समर्थन प्राप्त हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो निजीकरण का जो प्रस्ताव हमारी देश की वित्त मंत्री जी ने अभी हाल ही में जो संसद में बजट पेश किया था उसमें रखा था, उसके बाद देश भर के 10 लाख अधिकारी और कर्मचारी में रोष व्याप्त है और आज बजरंगगढ़ स्मारक विजय स्मारक से अजमेर जिले के लगभग 2500 से 3000 अधिकारी और कर्मचारियों ने एक वाहन रैली के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस वाहन रैली का जो उद्देश्य था जनमानस को इस जन आंदोलन में शामिल करना था, क्योंकि जो सरकारी बैंकों में जो पैसा रखा हुआ है, जो जमा पूंजी है, वो एक आम नागरिक की है, एक गरीब आदमी की है, उसके गाढ़े पसीने की कमाई है, उसको सरकार ये निजी हाथों में सौंपने जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी से कि सरकार को ये क्या हक है कि निजी उपक्रमों को और निजी बैंकों को वो निजी हाथों में सौंप दे, जबकि अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी तो सबको करते हैं लेकिन जनता के मन की क्या बात है वो सरकार नहीं सुनती, इसलिए हमको सड़कों पे उतरना पड़ा है और बैंक कर्मियों का जो आज उद्देश्य है वो जनमानस के हित में आंदोलन करना है, ना कि बैंक कर्मियों के खुद के हित में। ये जो पैसा जमा हुआ है सारा पब्लिक का पैसा है और पब्लिक का पैसा किसी सरकार की निजी संपत्ति कतई नहीं हो सकता, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आपने देखा होगा रैली में हमको जनमानस का बढ़ चढ़कर बहुत समर्थन मिला है और उन्होंने हमारा स्वागत भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में अनीता बघेल और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक का वीडियो आइए आपको भी दिखाते हैं। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में बागियों की मौजूदगी को लेकर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की। जब इस बारे में विधायक से उन्होंने शिकायत की तो विधायक ने इसके लिए अनभिज्ञता जाहिर की। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं और विधायक के बीच कहासुनी भी हुई। स्वामी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बागियों पर डेरा, अरे बागी का डेरा डालने का तो मैंने नहीं डाला भैया, बागियों पर डेरा है। देखो आप फ्रेंड्स हैं भाई, मेरा नाम मत लो आप, नहीं तो ये चप्पल रखी है, ये चप्पल है मेरी, मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हें क्यों बहुत ज्यादा
तो आप बुलाना चाहते हैं तो बुला लो ना, आप उनको बुलाओ ना, आप उनको बुला लीजिए, किसने मना किया है? बागियों का डेरा, अरे बागी का डेरा डालना था तो पहले नहीं डाला भैया, बागियों का डेरा है। देखो आप फ्रेंड्स हैं भाई, मेरा नाम मत लो आप, नहीं तो ये चप्पल रखी है, ये चप्पल है मेरी, मेरा नाम लिया तो बदतमीज को बहुत ज्यादा। हाँ ये चप्पल है मेरे पास, मेरा नाम लिया तो ऐसे लूंगी मैं, मेरा नाम मेरे की जगह नहीं है ना, समझे? हाँ ये क्या मेरा नाम नहीं मिली तुमने, मेरा नाम नहीं मिली है। हाँ मेरा नाम नहीं, मेरा मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं मिली क्या कहते हैं, मेरा नाम कैसे लिया इसने, आई ना समझ में, मेरा नाम देने की जरूरत नहीं है। रवाना हो यहाँ से, रवाना देवेंद्र जी, रवाना करो इनको यहाँ से, देवेंद्र जी इनको रवाना करो यहाँ से, मैं प्रेम से बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, हाँ प्रेम से बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, मेरा नाम देने की क्या जरूरत है, हाँ अजमेर माकूपुरा बाईपास पर कॉलेज से घर जा रही लड़कियों के साथ दो लड़कों ने छेड़खानी की। लड़कियों ने जब उनसे बात करने से मना करा तो दोनों ही युवक गाली गलौज पर उतर आए। लड़कियों के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और जमकर युवकों की धुनाई कर दी। मौके पर आदर्श नगर पुलिस ने पहुंचकर युवकों को अपने साथ थाने ले गई। अजमेर के राजकीय महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने छात्राओं से अभद्र व्यवहार करने के बाद वहां पर हंगामा खड़ा हो गया और मौके पर जमा लोगों ने मंचलों को थप्पड़ मार दी। थप्पड़ मारने के बाद मंचलों ने लड़कियों और लोगों को देख लेने की धमकियां दी और वहां से रवाना हो गए। आदर्श नगर थाना पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। ना तो अभी तक छात्राओं की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और ना ही दूसरे पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। अंकल ये दो लड़के, एक और उनसे बोला कि आपको बात करनी है, तो हमने बोला कि क्या बात करनी है, तो उन्होंने बोला कि आपका रहते हो, तो हमने बोला बल्लिया में रहते हैं, तो बल्लिया में फौजी ढाबा को जानते हो क्या, तो हमने बोला कि हाँ जानते हैं, तो फिर उसने बोला कि वो सुरेंद्र वगैरह वो रहते हैं, तो क्या उन्हें जानते, बोला हम नहीं जानते, वो गाली वगैरह, फिर वो जा रहे थे, दो मिनट बात करनी है कि हमें, तो हमने बोला हमें नहीं करनी है बात, फिर हम अनजान से बात नहीं कर सकते, हमें घर वालों ने मना कर रखा, हम क्यों बात करें अनजान से, तो फिर हमने बोला भैया हम नहीं बात कर सकते, तो भैया बोलते थे ऐसे गाली निकाल, ऐसे बहुत सारे अनसर गाली निकाल के निकल गए वहां से। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को अपनी नियुक्ति की मांगों को लेकर आरपीएससी के बाहर बड़ा ही रोचक प्रदर्शन किया। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन निरंतर जारी है। नियुक्ति जारी करने की मांग को लेकर आज 22वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा, जहां आज अभ्यर्थियों ने धरना स्थल पर दुकानें लगाकर सामान बेचा। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव भी धरना स्थल पर मौजूद रहे।
देखो लगातार 22 दिन से स्कूल व्याख्या था भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थी आरपीएससी के बाहर धरना दे रहे हैं, लेकिन न तो आरपीएससी के अधिकारी सुन रहे, न सरकार सुन रहे, न मंत्री सुन रहा। ऐसे में अभ्यर्थियों में आक्रोश है। आज अलग एक अनूठा प्रदर्शन किया है। आज उन्होंने मार्केट लगाया, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई गुड्डा गुड्डी बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मजदूर है। तो एक सांकेतिक धरने के माध्यम से गुहार की है माननीय मुख्यमंत्री अभिभावक है जल्द से जल्द नियुक्ति आदेश जारी करें, अन्यथा यह आक्रोश कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन के रूप में तब्दील हो सकता है। और हमने जो चेतावनी दी थी कि चारों जगह कांग्रेस को प्रत्याशी को नहीं जीतने देंगे, हमने रैली भी निकाल रहे हैं और घर घर जाकर हम प्रचार भी कर रहे हैं कि कांग्रेस को प्रत्याशी को हराया जाए, और स्पष्ट कह रहे हैं किसी भी हालत में कांग्रेस को प्रत्याशी को चारों जगह नहीं जीतने देंगे, सबक सिखाएंगे हराकर। अभी भी समय है बेरोजगारों की मांगों को मानकर जल्द से जल्द स्कूल व्याख्या भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करें। मैसेज यही तो जा रहा है कि सवाल उठ रहा है, आरपीएससी पे सवाल उठ रहा है, पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है, सिस्टम पे सवाल उठ रहा है कि एक भर्ती के एग्जाम के लिए प्रदर्शन, परिणाम के लिए प्रदर्शन, दस्तावेज पहुंचाने के लिए प्रदर्शन, फिर कटो पता नहीं किस किस लिए प्रदर्शन करना पड़ता। आज बेरोजगार 22 दिन तक सड़कों पर पड़े लेकिन लगातार कोई सुन नहीं रहा, तो ऐसे में बेरोजगारों में आक्रोश है, कहीं ना कहीं सरकार को चारों जगह उपचुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्यों हमारे घर वाले हमको पढ़ाए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों हमने इतनी सारी डिग्रियां कलेक्ट की, ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ डिग्रियों को कलेक्ट होने के बावजूद भी हम लोगों को आज सब्जी ही बेचनी पड़ रही है। हम फिफ्थ क्लास के बाद भी ये बेच सकते थे और अपना पेट का गुजारा कर सकते थे, इवन अपनी फैमिली का गुजारा भी कर सकते थे। तो क्यों आरपीएससी तक ये जू नहीं रेंग रही, क्यों मंत्रियों तक ये जू नहीं रेंग रही, क्यों हम यहाँ खड़े होने के लिए मजबूर है, क्यों हमारा धरना 22 दिन से लगातार चल रहा है, क्यों? हम सिर्फ जवाब चाहते हैं, हम नियुक्ति चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। अपने आप सिस्टम को चेंज करो और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे। आज हमने 17-18 साल पढ़ाई करी है, क्लास फर्स्ट से लेकर बीए करा, एमए करा, बीएड करा, उसके बाद ही कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है हमने। हमने मतलब लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रगल देखा है और हमारी शायद सबसे बड़ी गलती रही कि हम पढ़ लिख लिए और पढ़ लिखने के बावजूद भी हम बेरोज़गार हैं। तो हम इतने परेशान हो चुके हैं, मगर एक साक्षर होके भी अगर इंसान अगर रोज़गार नहीं अपना सके तो उसका फ़ायदा ही क्या है ऐसा। तो हम इतने मतलब डिप्रेशन में जा चुके हैं, इतनी पढ़ाई करी, इतनी डिग्रियां ली, उसका कोई औचित्य दिखाई नहीं दे रहा हम लोगों को कि अंत में मतलब बेरोज़गार के बेरोज़गारी हैं। हमारा सिलेक्शन हुआ है व्याख्याता परीक्षा 2018 के अंदर, उसके सब प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, 3 साल से तो वैसे भी लंबित रही है परीक्षा। अंत में क्या है, हमें स्कूल तक आवंटित कर दिए गए हैं और हमारे नियुक्ति पत्र जारी नहीं करे हैं। तो उससे हम इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं कि इस पेट की खातिर आज हम सब्जी बेचने पे मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि हम आज भी बेरोजगार हैं, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी हम बेरोजगार के बेरोजगार ही हैं। तो आज हम सब्जी बेच रहे हैं इस कारण से। इससे मैसेज ये जा रहा है कि पढ़ना क्या सही है कि नहीं है, आने वाली पीढ़ी को फालतू है, फालतू है, कोई मतलब नहीं है डिग्रियों का, इन डिग्रियों का कोई मायने है भी या नहीं है, क्योंकि अगर इतना पढ़ने के बावजूद भी इंसान बेरोजगार रह रहा है तो साक्षर रहने का मतलब ही क्या है। तो मैं सोचती हूँ कि निरक्षर रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि निरक्षर व्यक्ति एक छोटा मोटा काम करके अपना पेट तो पाल सकता है ना। हम साक्षर रहने के बावजूद सब्जी बेच रहे हैं अपने पेट की खातिर, तो बहुत शर्म की बात है। और सरकार को, आरपीएससी के अध्यक्ष को ही शर्म आनी चाहिए कि हमारी बेरोजगारी का कितना फायदा उठाएंगे। करे कोई और भरे कोई, ऐसा ही हुआ विजयनगर के एक परिवार के साथ, जहां परिवार के एक सदस्य ने किसी की हत्या कर दी और उसकी सजा पूरे परिवार को मिली। खुद को कानून से ऊपर मानने वाले समाज के ठेकेदारों ने परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। अब परिवार समाज से बहिष्कृत करने वालों के प्रति कानूनी कार्रवाई और पुलिस सुरक्षा में साथ खुद को घर भेजने की मांग को लेकर जिला पुलिस कप्तान को मिला। समाज से बहिष्कृत करने वालों के प्रति कानूनी कार्यवाही करने और पुलिस सुरक्षा के साथ घर भिजवाने की मांग को लेकर विजयनगर तारों का खेड़ा निवासियों ने जिला पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए श्रवण लाल ने बताया कि उनके भतीजे द्वारा एक हादसा होने के बाद समाज से उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। हम ऐसे हिसाब से मिलने आए हैं, हमारे को समाज से बहिष्कार कर रखा है और हमारी पुलिस थाने में भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो बार बार हम पुलिस थाने में भी लेटर दे चुके हैं, कई बार सूचना देने पर हमारा कोई ध्यान नहीं हो रहा है। और 29/9/2018 का मैटर रही है और उसकी दौरान हमको घर से बहिष्कार कर रखा है, घर से निकाल रखा है हमें। हम जाते हैं, हमारे साथ मारपीट होती है और हम बार बार पुलिस में देते हैं, वो आते ही नहीं है, घंटे दो दो घंटे तो पुलिस नहीं आती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे को हमारा घर सुरक्षित किया जाए। हमारे समाज के लोग जो हमारे जो मैटर हुआ था, हादसा हुआ था, उसी मैटर में क्या मामला हुआ था, मर्डर का हुआ था। तो हमारे भतीजे का हादसा हो गया एक,
जो अब उसको आशा बोलो या मर्डर बोलो जो वो तो है जेल में और हम बेघर हो रखे हैं, तो हमारे को हमारा घर संभलाया जाए। पंच पटेल क्या कह रहे हैं आपके? पंच पटेल ये कि बार बार हमको हम कराते हैं मीटिंग और वो बार बार सुनते ही नहीं हमारे, हमारे से हम खाना वहाँ दे देते हैं उनको, कुछ भी करते हैं तो हमारी फिर भी नहीं सुनी जा रही है। वो दंड भी दे रहे हैं? हाँ, दंड जुर्माना तो देना ही हो तो जो हम देने के लिए तैयार, फिर भी हमारी सुनाई नहीं हो रही है। 4-5 लाख रुपए हमारे इंदौरों में डलाते हैं, किस काम तक वो करते हैं? कौन से समाज के हो आप? हरिजन समाज के हैं। वाल्मीकि समाज से? तो आपके लड़के से मर्डर हुआ था? नहीं, मेरे बड़े भाई साहब के लड़के से इनके हाथ से हुआ था मर्डर। क्या वो क्या ऊपर घर पे भी नहीं हुआ था, दूर ले जाके उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ हाथा भी की थी, उसी के हाथ से एक हादसा हो गया ये, और उस हादसा हो या मर्डर को तो उससे हो गया, तो वो तो है जेल में और हम दर दर भटक रहे हैं। परिवार वाले? परिवार से परिवार तो पूरे से परिवार समेत 20-25-30 जने हैं, तो वो घर बेदर पर फिर रहे हैं सर। आप बताओ आंटी, किस लिए आए हो आप? मैं विजयनगर से आई हूँ और मैं न्याय चाहती हूँ कि मेरा बच्चे से गुना हुआ है और हमारे को न्याय चाहिए और हमारे घरों में नहीं रहने दे रहे, पड़ोसी से हमारे को खतरा है और हम जाते हैं घर पे तो वो लाठी चार्ज करते हैं, हमारे को मारने दौड़ते हैं और मेरा बच्चा जेल है और हम 50 आदमी मारे मारे फर रहे हैं। हमारे को न्याय चाहिए, हमारे को प्रशासन चाहिए, हमारे को घर पे सुरक्षित कर रखिए। हमारे साथ ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बात हुई सर, एक सुअर के ऊपर हुई सर, एक इधर मेरा देवर खिला रहा था और उधर ऊपर से वो ऊपर से नाल रहा था और ऊपर से पत्थरबाजी कर रहा था, तो वो नीचे आए तीन ही भाई मेरे घर पे लड़ने आए। मैंने उसको बोला कि आप अपने घर जाइए और गाली गलौज ना दे, और फिर भी वो लोग हमारे से वार्ता बहुत बुरा कर रहे हैं और पूरा पड़ोसी देख रहा है। हमारे उनके कोई लड़ाई नहीं थी, सिर्फ पड़ोसी तो दूसरे से लड़ाई हो रही थी लेकिन वो बीच में पड़ा हमारे के, लड़ाई तो पहले दूसरे से हुई। आपके बच्चे से मर्डर हुआ नहीं हुआ एक अलग बात है। हाँ, उसको सजा कानून दे रहा है। हाँ सर, लेकिन हमारे को हम न्याय चाहते हैं और समाज हमारे को बेघर कर दिया साहब, समाज हमारे साथ नहीं है, वो चाहते हैं कि तुम यहाँ नहीं रहो, हम हमारा घर चाहते हैं सर। और दंड अभी वो चाहते हैं, हम समाज में मीटिंग भी कर चुके हैं, 4-5 मीटिंग होगी सर, दंड भी दे चुके हैं सर। क्या दंड भी दे चुके हैं? हम लिया उन्होंने दंड। फैसागढ़ रोड निवासी प्रेमी युगल महावीर और सपना जागीर ने प्रेम विवाह कर अपने ही परिजनों से जान का खतरा बता दिया। एसपी जगदीश चंद शर्मा के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्होंने अपने परिवार से सुरक्षा की गुहार लगाई। दोनों ने विवाह अपनी मर्जी से और बिना किसी दबाव से किया। फायसागढ़ रोड निवासी प्रेमी युगल महावीर एवं सपना जागीर ने आर्य समाज में शादी कर जिला पुलिस कप्तान जगदीश चंद शर्मा से सुरक्षा की गुहार लगाई है। जानकारी देते हुए नवविवाहित जोड़े ने बताया कि वह पिछले 4 वर्ष से एक दूसरे को जानते हैं एवं बालिग हैं और उन्होंने एक दूसरे की पूर्ण सहमति एवं मर्जी से पुष्कर रोड स्थित आर्य समाज में प्रेम विवाह किया है। प्रेमी युगल महावीर ने सपना जांगीर के परिवार वालों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है और इस संबंध में जिला पुलिस कप्तान को एक लिखित शिकायत पेश की है। हाँ, मेरा नाम महावीर है, मैंने महावीर आसरी है, मैं काली के मंदिर के पीछे रहता हूँ और मैंने लव मैरिज करी है। हम 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं और इसके घर वाले हमारे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इनके घर वाले धमकी दे रहे हैं? ये सपना जी के। कब शादी करी है? शादी हमने कल करी थी और पुष्कर रोड पर जो आर्य समाज मंदिर है उनसे करी थी। बाकायदा उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया हमें और हम एक साथ रहना चाहते हैं और इसके लिए हम इसके घर वाले हमने जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। दोनों बालिक है, ये 22 साल की है और मेरे डॉक्यूमेंट्स में 27 साल है। परेशानी यह आ रही है कि इसके घर वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, 20-25 जनों को लेके बार बार मेरे घर पे आ रहे हैं और घर वालों को परेशान कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पर बोल रहे जान से मार दूंगा, हमने कोई गलत तो किया नहीं है, प्यार करते हैं दूसरे से, शादी कर ली है। सपना जांगीर नाम है मेरा। कल हमने आर्य समाज में शादी करी क्योंकि हमारे फैमिली वाले हमारी शादी के अगेंस्ट है, इसलिए हम लोगों ने घर से मतलब बिना बताए। आपने क्या नाम है? महावीर आसरी है उनका नाम। 4 साल से जानते हैं हम एक दूसरे को। आपने अपनी मर्जी से शादी करी है? हाँ, मैंने अपनी शादी करी आपने। आर्य समाज में पुष्कर रोड पे। आज आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? क्योंकि हम मेरे घर वाले हैं ना, मतलब मेरे हस्बैंड को धमकी दे रहे हैं कि आपको जान से मार देंगे और फैमिली वालों के साथ भी है ना, उन्होंने बदतमीजी करी है, तो प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे आए हैं।
सरकार जहां खिलाड़ी और खेलों को प्रोत्साहन करने में विभिन्न योजनाएं लगा रही है, वहीं सरकारी महकमे के आला अधिकारियों को लगता है कि ना खेल जरूरी है, ना खेलों से कोई सरोकार, ना ही खिलाड़ियों से कोई मतलब। यहां तक कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और भत्ते तक खिलाड़ियों को नहीं दिए जा रहे। खिलाड़ी स्वयं और परिवार के पैसे पे खर्च करके राज्य और अजमेर का नाम रोशन कर रहे हैं। रोलबॉल खेल के खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों द्वारा आज जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपकर रोलबॉल खिलाड़ियों का TADA दिलाने की मांग की गई। अभिभावकों ने बताया कि पिछले कई महीनों से रोलबॉल के खिलाड़ी सीकर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल का प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक तक लेकर आए हैं, लेकिन खेल अधिकारियों द्वारा बच्चों का मनोबल बढ़ाने के बदले बच्चों का मनोबल और गिराया जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद वैसे भी आर्थिक तौर पर सब बहुत परेशान हैं, उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा खिलाड़ियों को TADA ना देकर उनके खेल में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। साथ इन्हें TADA नहीं मिल रहा है। पिछले 3 बार ये कोरोना काल में श्रीगंगानगर, सीकर और सवाई माधोपुर जाके आए हैं बच्चे, लेकिन उन्हें TADA नहीं मिल पा रहा है। इस बाबत हम लोग यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने। आज कोरोना काल के समय में जब पेरेंट्स बच्चे आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, उसके बावजूद हम अजमेरवासी इस गेम को, रोल बॉल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ गोल्ड मेडल जीत कर, सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं, लेकिन हमारे खेल अधिकारी महोदय हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हैं, हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है ताकि हमें बच्चों के साथ TADA मिल सके और उनका प्रोत्साहन बढ़ सके। बच्चे खेल चुका है अभी अजमेर के सारे बच्चे, अजमेर ही नहीं, राजस्थानी नहीं, नेशनल इंटरनेशनल तक खेल गए। इंटरनेशनल से मतलब है नेपाल बच्चे खेल कर रहे हैं, वहाँ से भी गोल्ड मेडल जीत गए हैं और नेशनल लेवल पर चंडीगढ़, अहमदाबाद, गुजरात, हरियाणा, यहाँ भी बच्चे खेल खेल कर आए हैं। तो बच्चे देश के लिए अपना खेल रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं और अधिकारी जो है इस तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे, सही बात। देखो बच्चे तो खेल खेल के आ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं और वो जीत कर आ रहे हैं। हम और सब अजमेर वासी, मैं आपके मीडिया से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी खेल अधिकारी महोदय बैठे हुए हैं, इन बच्चों का मनोबल बढ़ाएं ताकि बच्चे अपने हिंदुस्तान का नाम और बढ़ा सके। रोल बॉल में बच्चे खेल रहे हैं, रोल बॉल तो बच्चों को TADA नहीं मिल पा रहा है। ये लोग गंगानगर खेल के आए हैं, जयपुर भी खेले हैं, सीकर भी खेल के आए हैं, हनुमानगढ़ खेल के आए हैं, गंगानगर खेल के आए हैं और नेशनल तक गुवाहाटी तक भी खेल के आए हैं बच्चे। TADA का मामला चल रहा है, खेल अधिकारी TADA नहीं दे रहे बच्चों को। तो बच्चे अपने खुद के पर्सनल पैसे से, हाँ पर्सनल पैसे से, माँ बाप के पैसे से ही जा रहे हैं। कोरोना काल में इतने तो बच्चे सब लोग प्रभावित हो रहे हैं, पर कम से कम बच्चों का उत्साह बढ़े, कम से कम बच्चों को सब जिस तरीके से बच्चे देश का नाम रोशन करना, तो इनको सपोर्ट तो मिलना चाहिए ना खेल अधिकारी के द्वारा। सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल इनको TADA नहीं मिल रहा। 3-4 जगह ये खेल के आ गए, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनकी तरफ से। इसीलिए उसी के चक्कर में सब बच्चों के समेत अभिभावक भी आए हैं। क्या सपोर्ट रहता है अभिभावकों का आपका? अभिभावकों का फुल सपोर्ट है, बच्चों के साथ जाते हैं, बच्चों को छोड़ते खेलते जहाँ भी जाते हैं बच्चों के साथ रहते हैं। बच्चों के लिए कितना टाइम निकालते हैं, बच्चे भी अपना स्कूल का टाइम बर्बाद करके टाइम निकालते हैं, फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं खेल अधिकारी। उसने सभी अभिभावकगण इकट्ठे होकर अपनी शिकायत कलेक्टर महोदय के पास में लेके आए। तीर्थ नगरी पुष्कर में फिल्म मुन्नू और मुन्नी की शूटिंग की सफलतापूर्वक संपन्न होने पर फिल्म के निर्देशक दीपक सिसोदिया ने पुष्कर वासियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने वापस पुष्कर आने का वादा भी करके गए। तीर्थनगरी पुष्कर में सुप्रसिद्ध कॉमेडियन फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े की भरपूर कॉमेडी से भरी सामाजिक संस्कारों और पारिवारिक फिल्म मुन्नू और मुन्नी की शादी की पुष्कर में सफलतापूर्वक शूटिंग होने पर फिल्म निर्देशक दीपक सिसोदिया ने पुष्करवासियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, पुष्कर के अंदर 22 दिनों तक पुष्करवासियों के अपार स्नेह प्यार की बदौलत सफलतापूर्वक शूटिंग की गई। शूटिंग के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत न परेशानी आई। उन्होंने बताया कि पुष्कर एक काफ़ी अच्छा धार्मिक स्थल है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में यात्री पर्यटक आते हैं। पुष्कर के लोगों का व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है और यहाँ के भवन भी काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए पुष्कर के धार्मिक महत्व को देखते हुए, धार्मिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक शूटिंग यहाँ होनी चाहिए।
लेकर मेरे ख्याल से शूटिंग के लिहाज से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फ्रेंडली जगह है, और यहाँ के लोग और यहाँ का जो वातावरण है और ब्रह्मा जी का जो आशीर्वाद है, मैं खुद ही अभी डिस्कस कर रहा था सबसे कि एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारी शूटिंग में कोई अड़चन आई हो, जबकि शूटिंगों में अक्सर छोटी मोटी अड़चनें रोज़ आती हैं। बस ब्रह्मा जी का आशीर्वाद रहा कि हमारी शूटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से और समस्त पुष्करवासियों का, एक होटल से लेकर दुकान से लेकर छोटे छोटे लोग जो है इतना सहयोग किया, इतना प्यार किया कि अभी जितने हमारे लोग गए हैं यहाँ से बम्बई, सबकी आंखों में आंसू थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब छोड़ के जा रहे थे यहाँ से, उनको लग रहा था अपने घर से जा रहे हैं वो लोग। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम मिला हमें, मैं सच बता रहा हूँ आपको, और उतना ही आशीर्वाद मिला ब्रह्मा जी का, उतना ही सपोर्ट मिला आप लोगों का। मैं कहूँगा कि पुष्कर में आप लोग आइए, शूटिंग करिए, इससे अच्छा माहौल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। पूरे राजस्थान की गारंटी ले सकता हूँ मैं कि आप पुष्कर से अच्छा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके ये मुन्नू और मुन्नी की शादी पहली पिक्चर है जी, और पहली पिक्चर आपने पुष्कर में शूटिंग की जी, जी, तो इसका कारण जी, मुन्नू और मुन्नी की शादी जो हमारी फिल्म है और पुष्कर में शूटिंग करने का कारण ये था जी, मैं संक्षेप में बताऊंगा आपको कि आज यूपी में लखनऊ, बनारस और बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो शूटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा और प्रचलित हो गई है। ठीक है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरी धरती है ये, मेरी भाषा है ये, मेरी बोली है ये। मैं चूरू ज़िले के सुजानगढ़ गांव से बिलोंग करता हूँ, और मेरा सबसे पहला, मेरी सोच ये थी और सोच क्या, मेरा कर्म और मेरा धर्म यही है कि मैं अपनी बोली और अपने लोगों को आगे लेके चलूं। और ऊपर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया और मेरी पहली पिक्चर ही बस यहाँ से शुरू हो रही है, और इससे ज़्यादा मैं और क्या चाहूँगा, मैं खुशकिस्मत हूँ, जो मैंने सोचा वो हुआ है। ये सर कब तक रिलीज हो जाएगी पिक्चर? ये आप मान के चलिए जून जुलाई तक हम इसको रिलीज़ कर देंगे, और उससे पहले हम दोबारा फिर पुष्कर आएंगे इसकी प्रमोशन करने के लिए। तो आपका सबका फिर प्यार और सहयोग हमको चाहिए होगा, तो बस जब तक हमारे लिए आप प्रार्थना कीजिए कि हमारी फिल्म अच्छी तरह की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, पर जाने से पहले स्वामी न्यूज के यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो करें, और हर नई खबर को देखने के लिए नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें। आप विदा लेता हूं और देखते रहिए स्वामी न्यूज़।